सबसे पहले इसमें हम डालेंगे धनिया, ये धनिया डाल देते हैं। और इसमें हल्दी और इसमें गरम मसाला, ये पीसेंगे अभी तो इसमें गरम मसाला भी डालेंगे, फिर बाद में भी डालेंगे। और अब इसमें हम ये अदरक लिए, अदरक डालेंगे, लहसुन, ये और ये मिर्ची धो लिया इसको। और आप तीखा बना सकती हैं इसको, तीखा बनाने में ही ये तो टेस्टी बनता है और अच्छा लगता है। अब ये तीखी बहुत मिर्ची है इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रहे हम, इतना ही डाल रहे हैं। और ये प्याज कट करके अब इसको पीस लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये पीस लिया है और इसको किसी बर्तन में निकाल देंगे। तो ये हमने कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए प्लीज। ये हो गया, तेल डाल दिया फ्राई करने के लिए, ये हो गई है कढ़ाई। और इसमें हम कटहल डालेंगे। अब इसको ना बिना टमाटर का ये ही बहुत अच्छा आता है सब्जी ये। आप ना ये कटहल लीजिए ना तो कच्ची लीजिए, कच्ची ज्यादा अच्छी लगती है खाने में, तो आप कच्ची लीजिएगा, थोड़ा पका नहीं, बिल्कुल वाइट जो दिखे उसी को आप लीजिए, क्योंकि बहुत कटहल ना पके भी रहते हैं, थोड़े अंदर पक जाते, दो दिन रखो या तो अजीब अलग ही हो जाता है। तो आप देख के लीजिए कटहल। तो ये देखिए ये हो गया है, इसको निकाल लेंगे। ये निकालिए, अब सभी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये हो गया, इसको भी निकाल देते हैं। तो ये हम इसमें प्याज डालेंगे, और जीरा, तो ये देखिए ये प्याज हो गया है। और ये मसाला डाल देंगे जो पीसे हुए थे। इसमें नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा। बड़े चम्मच में, हमने छोटा चम्मच लिया है मगर बड़े चम्मच में दो चम्मच नमक डालेंगे, इसमें डाला है।
तो इसमें हम ये मिर्ची डाल देंगे, ये कलर वाली है कश्मीरी मिर्ची, तो ये देखिए ये मसाला हो गया है, ये तेल छोड़ दिया है। अब ये डाल देंगे इसमें, इसमें थोड़ा सा चिकन वाला मसाला डाल देंगे। ये चिकन वाला मसाला लिया हुआ है, इसको फिर ढक देंगे। तो इसको देखते हैं, ये तो हो गया है, बन गया ये। अब इसमें धनिया डाल देंगे, ये बन गया है, गैस बंद कर देते हैं। तो ये प्लेट में डालेंगे, तो ये देखिए बन के रेडी हो गया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, जब तक लिए बाय बाय।